आज हम एक ऐसी बीमारी की चर्चा करेंगे जिसका विश्व में अभी लगभग 44 करोड़ मरीज हैं, और ऐसा माना जाता है कि विश्व में जितने भी इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति हैं, इनमें से हर पांचवा एक भारतीय है। पिछले साल जारी ICMR के एक आंकड़े के अनुसार इस बीमारी से लगभग देश में 7 से 8 करोड़ लोग परेशान थे, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक अगले 5 से 6 वर्षों में इस बीमारी से परेशान लोगों की संख्या 13 से 14 करोड़ को पार कर जाएगी। अब जाहिर है आप जानना चाहेंगे ऐसी कौन सी बीमारी है जो इतनी तेजी से इस देश में फैल रही है। तो एक बहुत ही एक सामान्य बीमारी है जो हर हमारे आसपास हमारी सोसाइटी में मौजूद है, और उसका नाम है मधुमेह। मधुमेह का इलाज हालांकि हर पैथी में हर चिकित्सा पद्धति में उपलब्ध है, इसके बावजूद भी हम इस बीमारी पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका कारण है कि हमारा अनियमित खानपान, अनियमित दिनचर्या और हमारा रहन सहन का गलत तरीका। मधुमेह दिखने में और सुनने में एक सामान्य बीमारी लगती है, लेकिन सबसे अधिक जो हमारे देश में मौतें होती हैं उसमें अधिकांश मौत का कारण यह मधुमेह ही होता है। आइए अब जानते हैं मधुमेह होता क्या है। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे ब्लड में शुगर का लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ये शुगर का लेवल आखिर बढ़ता क्यों है और यह कम क्यों नहीं होता, इसको हम जानेंगे। मधुमेह होने के 2 मुख्य कारण होते हैं, या तो हमारा पैंक्रियाज यानी कि अग्न्याशय इंसुलिन का निर्माण बंद कर देता है, या कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जिसमें इंसुलिन बनता तो है लेकिन वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होता। कारण कि वो इंसुलिन विकृत हो जाता है जिसकी वजह से हमारा शरीर उसे उपयोग में नहीं ला पाता है। ऐसे केसेस को इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से 2 ऐसे कारण होते हैं, पहला होता है इंसुलिन डिफिशियंसी और दूसरा होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि पहले मामले में इंसुलिन की कमी होना और दूसरे मामलों में इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न हो जाना। ये दोनों ऐसे कारण हैं जो कि हमारे देश में मधुमेह रोगियों की संख्या दिनों दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इस मधुमेह के लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि हमें मधुमेह है या नहीं है। तो मधुमेह के कुछ खास लक्षण बताए गए हैं जिनमें पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीयूरिया, ये 3 मेन लक्षण हैं। इसके अलावा एक चौथा लक्षण बताया गया है वेट लॉस। पॉलीयूरिया यानी कि बार बार पेशाब जाने की आदत, पॉलीडिप्सिया का मतलब बहुत ज़्यादा बार बार प्यास लगना, और पॉलीफेजिया का मतलब बार बार भूख लगना, और चौथा होता है वेट लॉस यानी कि धीरे धीरे आपका वजन कम होने लगता है इस बीमारी में। तो ये 4 प्रधान लक्षण होते हैं जिससे कि हम अपने मधुमेह का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो इसमें पता करने में सहायक भूमिका निभाते हैं। उनमें पहला है कि जल्दी से थकान लग जाना, किसी भी काम को करने में आपका मन न लगना, इसके अलावा हमेशा नींद जैसी प्रवृत्ति आना। तो ये सारे ऐसे लक्षण हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि हमें मधुमेह है या होने की संभावना है। तो इन लक्षणों पर जरूर गौर करें। अगर ये लक्षण आपको दिखते हैं तो फिर आप जल्द से जल्द किसी चिकित्सक से सलाह लें और अपने ब्लड शुगर की जांच जरूर करा लें। लक्षणों के बाद ये जरूरी है जानना कि हमें किस प्रकार का मधुमेह है। तो सामान्य रूप से मधुमेह के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है टाइप 1 मधुमेह, दूसरा है टाइप 2 मधुमेह और तीसरा है गेस्टेशनल मधुमेह। तो हमें यहाँ सिर्फ चर्चा करेंगे टाइप 1 और टाइप 2 के। टाइप 1 मधुमेह यानी कि जिसमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है, और टाइप 2 ऐसा मधुमेह है जिसमें इंसुलिन काफ़ी कम मात्रा में बनता है, या ऐसे लोगों में इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है। तो इन दोनों प्रकारों की हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे क्योंकि यही दोनों मधुमेह हमें ज़्यादा अधिक संख्या में मिलते हैं। तो जो टाइप 1 मधुमेह होते हैं ये बचपन से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी वजह से पैंक्रियाज काम करना बंद कर देता है। और जो टाइप 2 है, टाइप 2 जनरली वयस्क पुरुषों में होता है, इसलिए इसको एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज भी कहा जाता है। इसका मेन कारण होता है या तो आपका पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना कम कर देता है, या हमारा शरीर उस इंसुलिन के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता बना लेता है, जिसे कि मेडिकल की भाषा में हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसके अलावा मोटापा इसका सबसे बड़ा कारण है।
अगर कोई व्यक्ति जितना अधिक वजन होता है, जितना अधिक मोटा होता है, उसमें मधुमेह होने का खतरा उतना ही ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो धूम्रपान करते हैं उनको भी इस बीमारी का खतरा बहुत अधिक होता है। जो अधिक मात्रा में तैलीय चीज़ें फैट खाते हैं उनको भी इस बीमारी का खतरा बहुत अधिक होता है। अब हम जानते हैं कि अगर हमें मधुमेह है या हमें मधुमेह होने की शंका है तो किन किन जांचों के आधार पर या कौन सी जांच करवा कर हम इसका पता कर सकते हैं या निश्चित कर सकते हैं कि हमें मधुमेह है या नहीं है। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जांच है। पहला है ब्लड शुगर। ब्लड शुगर की जांच दो तरीके से की जाती है, पहला है फास्टिंग ब्लड शुगर और दूसरा है पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर। फास्टिंग शुगर वह होता है जो सुबह खाली पेट कराया जाता है, और पीपी शुगर वह होता है जो सुबह नाश्ते के बाद यानी कि फास्टिंग का सैंपल देने के बाद कुछ खाना खाकर 2 घंटे के बाद कराई जाती है। तो इन दोनों जांच को जरूर कराना चाहिए। ये मधुमेह के निर्णय करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा हमें यूरिन की भी जांच करानी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर शुगर बढ़ा है तो यूरिन में भी वो शुगर आता है। साथ ही इसकी वजह से हमें यह भी पता चल जाता है कि हमारी किडनी शुगर की वजह से बिल्कुल नॉर्मल है या उसमें भी कुछ खराबी आ रही है। इसके अलावा HbA1c जिसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है, यह भी जांच बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमारे पिछले 3 से 4 महीने की जो भी ब्लड शुगर का लेवल है वो नियंत्रित रहा या बढ़ा रहा है तो एक पिछले 3-4 महीनों का एक औसत आंकड़ा प्रस्तुत करता है। तो ये मुख्य रूप से जांच है ब्लड शुगर की, फास्टिंग पीपी और ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन की जांच हमें करानी चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी जांच ऐसी होती है जिससे पता चल जाता है कि जो हमारा शुगर काफी समय तक बढ़ा रहा है तो इस शुगर की वजह से हमें और क्या क्या समस्याएं आई। तो इन समस्याओं को जानने के लिए हमको अपने लिपिड प्रोफाइल भी कराना चाहिए, लीवर प्रोफाइल कराना चाहिए और साथ में किडनी प्रोफाइल भी कराना चाहिए। इन सब जांच का यह फायदा होता है, अगर हम लिपिड प्रोफाइल हमारी गड़बड़ मिलती है तो इसे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि शुगर के साथ साथ हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है कि भविष्य में इससे हमें हृदय रोग होने की संभावना हो। दूसरी है अगर हम रिनल प्रोफाइल कराते हैं तो शुगर लंबे समय से आपको है तो इसका सबसे खतरा किडनी पे होता है। किडनी धीरे धीरे अपना काम करना जो है बंद कर देती है, जिसको हम लोग डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। तो ऐसे मामले में हमको रिनल प्रोफाइल या किडनी प्रोफाइल कराना बहुत जरूरी होता है। इसमें हम मुख्य रूप से ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन आदि जांच देखते हैं, साथ में इलेक्ट्रोलाइट भी देखा जाता है। तो अगर हमारा यूरिया और क्रिएटिनिन नॉर्मल है तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर बढ़ा हुआ है तो हमको मधुमेह के साथ साथ किडनी की भी इलाज कराने की आवश्यकता है। अब हम आपको बताते हैं कि आयुर्वेद में मधुमेह के बारे में क्या क्या कहा गया है और इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं। तो हमारे पास जितने भी उपलब्ध संहिताएं हैं, आयुर्वेद के शास्त्र हैं, लगभग सभी में मधुमेह को प्रमेह का एक भेद माना गया है। प्रमेह 3 प्रकार के बताए गए हैं, वातज, पित्तज, कफज प्रमेह। पुनः इसके और भेद किए गए हैं, इसमें कफज के 10 भेद बताए गए हैं, पित्तज के 6 भेद बताए गए, वातज के 4 भेद। इन्हीं वातज में 4 प्रकार के जो भेद बताए गए हैं, हस्ती में, वसा में, मज्जा में और मधुमेह। तो जो चौथा मधुमेह बताया गया है यही आज का डायबिटीज मेलाइटस है। तो ये मधुमेह जो है वातज प्रकार का होता है और सबसे ज़्यादा क्रोनिक यानी कि जितना पुराना होता है उतनी ही असाध्य होता चला जाता है। तो आचार्यों ने इसका प्रमेह के अंतर्गत वर्णन किया है और इसके जो भी कारण बताए गए हैं कहीं ना कहीं हमारे लाइफ स्टाइल से प्रेरित हैं। आचार्यों ने कहा है आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य औदक अनुप रसा पयांसी। इसके अलावा 9 पान गुट बैकृतम चा प्रमेह हेतु कफ कृच सर्वम, यानी कि आस्या सुख बहुत अधिक अगर आप सोते हैं, आराम तलवी जीवन जीते हैं, फिर आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम औदक अनुपयांसी, दही के अत्यधिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका सेवन करते हैं,
नया आहार का मतलब जो हमारे भी चावल या गेहूं है अगर एक साल से नए हैं तो उनको नवीन माना जाता है और एक साल के बाद उनको पुराना माना जाता है। तो अगर ये नए हैं तो इनका सेवन से भी ज़्यादा समस्या हो सकती है आपको कि मधुमेह हो जाए। इसके अलावा आता है दधीनी ग्राम में औदक आलू प्रसापयांसी नौ अन्न पान गुड़ वैकृतम च नौ अन्न पान जितने नए आहार हैं उनके सेवन से गुड़ वैकृतम यानी कि जो भी मीठे पदार्थ हैं उनसे बने चीज़ों का अत्यधिक खाने से प्रमेह रोग होता है। और प्रमेह का लक्षण ही बताया गया है कि प्रभूत आविल मूत्रता यानी कि बहुत अधिक मात्रा में बहुत ही गंदे मूत्र का बार बार त्याग करना ही प्रमेह होता है। तो शुरुआत में जो भी बताया गया है कि कफज प्रमेह पित्तज प्रमेह और वातज प्रमेह, तो जो कफज प्रमेह होते हैं, कफज प्रमेह का मतलब होता है जो नए प्रमेह होते हैं मतलब दो भी छः महीने से साल भर पुराने, तो उनका जो है प्रमेह काफ़ी सुख साध्य होता है यानी कि हम उसको आसानी से इलाज उसका कर ले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्रोनिसिटी यानी कि जीर्णता बढ़ती है तो सारे के सारे प्रमेह मधुमेह हो जाते हैं और वातज रूप में परिवर्तित हो जाते हैं जिसकी चिकित्सा बहुत ही मुश्किल होती है। वैसे तो आयुर्वेद में सैकड़ों औषधियाँ हैं लेकिन कोई भी औषधि प्रयोग करने से पहले आप किसी कुशल चिकित्सक से ही वैद्य से सलाह के बाद ही आप इसका प्रयोग करें। इसकी बहुत सारी औषधियाँ हैं जिसमें कि अधिक लोग जानते भी हैं, आंवला है, हरिद्रा है, मेथी है, इसके अलावा पनीर का फूल है, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हम लोग नियमित रूप से प्रयोग करके अपने कहीं ना कहीं से ब्लड शुगर को नियंत्रित रखते हैं। उसमें गुड़मार भी है और बहुत से ऐसे औषधियाँ हैं। इसके अलावा शास्त्रीय औषधियाँ जैसे प्रमेह गजकेसरी है, हरिशंकर रस है, बसंत कुसुमाकर रस है, शिलाजत्वादि बट्टी है, त्रिफला चूर्ण है, फलत्रिकादि काढ़ा है, तो ऐसी अनगिनत औषधियाँ हैं जिनका हम प्रयोग इसमें कर सकते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी मधुमेह के सामान्य परिचय के बारे में और हमने मधुमेह से संबंधित बहुत सी सामान्य चीज़ें बताई थी। हम आज बात करेंगे कुछ ऐसे विषयों पर जिसमें बहुत से लोगों के मन में तमाम ऐसी भ्रांतियाँ होती हैं कि शुगर ऐसे होता है, इस प्रकार फैलता है और ऐसे ठीक हो सकता है, जो कि केवल भ्रांतियाँ होती हैं, वास्तविकता से उनका कोई लेना देना नहीं होता। तो कुछ ऐसे ही विषयों की, कुछ ऐसे सवालों की चर्चा करेंगे क्योंकि हम एज ए चिकित्सक जब भी बैठते हैं हॉस्पिटल में तो हर कोई जानने वाला मरीज एक नए सवालों के साथ जूझता हुआ आता है, पूछता है कि क्या ऐसा संभव है कि यह सच है कि डायबिटीज के बारे में, डायबिटीज ऐसे होता है या ये हम खा लेंगे तो हमारा डायबिटीज ठीक हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या केवल मिठाई खाने से मधुमेह होता है? तो अधिक लोगों की शंका यही रहती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल मिठाई खाने से ही मधुमेह होता है, ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से मधुमेह होता है मिठाई के अलावा, क्योंकि मधुमेह होता है केवल क्या बोलते हैं उसको, ब्लड शुगर का लेवल बढ़ना। तो हम जो भी खाते हैं, चाहे हम चावल खाएं, चाहे रोटी खाएं, चाहे कोई से भी सब्जी खाएं या कुछ भी खाएं, अल्टीमेटली जो भी हम खाते हैं उसका पाचन और शोषण के बाद सब कुछ का जो परिवर्तन होता है शुगर में होता है। तो कोई भी चीज़ मिठाई के अलावा अगर कोई भी चीज़ हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो सारी चीज़ें हमारा शुगर लेवल बढ़ाती हैं। तो पहला बस ध्यान रखें केवल मिठाई खाने से नहीं होता, कुछ भी अगर आप खाते हैं मिठाई के अलावा तो उसको नियंत्रित रूप से खाएं। इसके अलावा खान पान से अलग उस शरीर में ऐसी विकृतियाँ होती हैं जिनसे मधुमेह होता है, जिसमें पहला हम बता चुके हैं कि पहला होता है इंसुलिन की कमी और दूसरा है शरीर हमारा जो इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस बना लेता है। तो ये दो कारण भी हैं खाने के अलावा जिनसे मधुमेह होता है। दूसरा सवाल ये आता है कि कभी कोई पेशेंट आके पूछते हैं कि क्या अगर मैं अपने वजन को कम कर लूँ तो क्या मुझे मधुमेह नहीं होगा? तो ये भी सच नहीं है पूरी तरीके से। हाँ ये जरूर है कि मोटापा यानी कि अधिक वजन आपके मधुमेह के खतरे को ज़्यादा करता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि अगर आप वजन कम कर लें तो पूरी ज़िंदगी में आपको मधुमेह नहीं होगा, क्योंकि मधुमेह होने के अलग अलग कारण होते हैं। टाइप 2 में ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आप मोटापा कम कर लें, लेकिन बहुत से मामले में होता है कि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, इंसुलिन सिक्रेशन कम हो गया तो आपको मधुमेह हो सकता है। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप मोटे नहीं हो तो आपको शुगर ना हो। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कोई भी पेशेंट जब मधुमेह का हमारे पास आता है तो हम लोग उनसे उनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। कुछ लोग इससे नाराज भी होते हैं, कुछ लोग खुशी खुशी बताते भी हैं, कुछ का कहना है कि आप क्यों पूछ रहे हैं मेरे फैमिली के बारे में। तो दोस्तों ये बात एक बहुत ही ज़रूरी है आपके जानने के लिए कि मधुमेह
काफ़ी हद तक जेनेटिकल भी होता है। बहुत से ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनका केवल खाने की दवाओं से मधुमेह कंट्रोल नहीं हो पाता, तो ऐसे पेशेंट्स में इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब इंसुलिन एडवाइस किया जाता है तो बहुत से रोगी हताश और निराश हो जाते हैं। उनको लगता है कि बस उनका जीवन समाप्त हो गया और अब उनको पूरी ज़िंदगी इंसुलिन पर चलना है, और इंसुलिन के लेने के उनको जो है जो भी इंजेक्शन लगाने में कष्ट होता है जीवन भर झेलना है। ऐसा मैं बताना चाहूँगा कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सर्टेन कंडीशंस में आपका शुगर लेवल बढ़ने लगता है और दवाओं से कंट्रोल नहीं होता, तो ऐसे में कुछ समय के लिए ऐसा हो जाता है कि हम आपको इंसुलिन दें। इंसुलिन के बाद कई बार होता है कि इंसुलिन स्टार्ट करने के बाद आपका शुगर धीरे धीरे कंट्रोल होने लगता है, तो कुछ मामलों में इंसुलिन की जगह फिर से वापस आपको खाने वाली औषधियों पर रखा जा सकता। रही बात इंसुलिन जो इंजेक्शन लगते हैं, तो अब तो काफ़ी नए नए टाइप के इंसुलिन इंजेक्शन आने लगे हैं जिनकी नीडल्स काफ़ी पतली होती है और उनसे काफ़ी दर्द भी कम होता है। तो अब इंसुलिन में जो पहले मोटे मोटे इंजेक्शन आते थे अब उनके बेहतर काफ़ी सुधार हो चुका है और उतने ज़्यादा आपको कष्ट नहीं होता। लेकिन अगर इंसुलिन शुरू करना है तो इसे आपको हताश निराश नहीं होना है। उस समय के बाद हो सकता है आपका चिकित्सक जैसे आपका शुगर कंट्रोल हो आपका इंजेक्शन हटा के आपको खाने वाली दवाओं पर वापस ला दे। बहुत से रोगी इस बात से भी परेशान रहते हैं कि अब मुझे डायबिटीज हो गया है तो ज़िंदगी भर कोई मिठाई और चीनी की बनी चीज़ें नहीं खा सकता। दोस्तों ये सच है कि आप चीनी और मिठाई नहीं खा सकते, लेकिन अगर आप अपने मन पे काबू रख पाते हैं और नियंत्रण रख पाते हैं तो आप सावधानी के साथ साथ थोड़ी मात्रा में चीनी और मिठाइयाँ भी खा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ और मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत से तात्पर्य यह है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाइए, कि जितना आपने शुगर या मिठाई ली है उसकी जो है खपत अपने कसरत के माध्यम से कर लें। या दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मान लीजिए आप मिठाई में आपको रसगुल्ले खाने पसंद हैं और खाना खाने के समय आपको चाहिए, तो ऐसे मामलों में आप यह कर सकते हैं कि खाने में अगर चावल या रोटी आप ले रहे हो तो उस समय चावल और रोटी में जितनी कैलरी है और रसगुल्ले में जितनी कैलरी है उसको कंपेंसेट करें। कंपेंसेट करने का तात्पर्य यह है कि रसगुल्ले में अगर 200 कैलरी है तो आप 200 कैलरी का मतलब होता है 2 से 3 रोटियां कम से कम आपके खाने से हटा दें, तो उससे आपकी जो भी है कंपेंसेट हो जाता है आपकी कैलरी और आपका शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं।